तो अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने आप लोगों से वोटिंग करवाया था और आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना कीमती वोट दिया और बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर नेक्स्ट वीडियो में वर्ब का चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल आपके ही डिमांड पे इस वीडियो से आज मैं आप लोगों के लिए वर्ब का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। तो वर्ब एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको वर्ब बिल्कुल पूरा फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन अलग अलग वीडियो में पार्ट बाई पार्ट हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वर्ब बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, फिर आपको मैं ले चलूंगा एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो जितने भी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है तो वो होता है वर्ब। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं हो तो चलेगा, प्रेपोजिशन नहीं हो तो चलेगा, एडजेक्टिव नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं हो तो वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं। तो इसलिए वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे ग्रामर में चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है जो कि वर्ब से ही रिलेटेड है, वर्ब से ही कनेक्टेड है, और अगर आपका वर्ब पे कमांड अच्छा नहीं होगा तो जो भी कनेक्टेड चैप्टर है, जो भी कनेक्टेड टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वर्ब अच्छा नहीं है तो आप टेंस नहीं समझ पाओगे, आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छा नहीं होगा, आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में नहीं आएगा, फिर आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर आपको जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो बहुत सारे चैप्टर जो है वो वर्ब से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए वर्ब का जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्यों है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में कम से कम क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो किसी भी सेंटेंस में हमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता है, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता है। तो ध्यान देना, हम यही जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटेंस हम एक वर्ड का भी बना सकते हैं? सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तभी सेंटेंस बन पाएगा। बट ऐसा नहीं है, सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस कैसे एक वर्ड का हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में ये बात ठीक है, नॉर्मली ये बात ठीक है कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर इन दोनों चीजों में कौन सा ऐसा चीज अगर नहीं रहेगा तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं भी रहे तो भी एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं रहेगा तो फिर सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा, सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। तो सेंटेंस केवल वर्ब से भी बन सकता है, अगर सब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम अगर वर्ब भी है तो भी सेंटेंस बन सकता है, सेंटेंस एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। आइए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला जाओ, हमने बोला जाओ, अब हमने आपको बोला जाओ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गो लिखेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। अगर मैं बोलता हूँ आओ या फिर आइए, आओ या फिर आइए, तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के अंत में, तो देखो गो अपने आप में क्या वर्ब है, कम अपने आप में क्या, ये भी एक वर्ब है, और ये अपने आप में एक सेंटेंस भी, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। तो वर्ब जो है वो किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तुलना में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस कहां रहने वाला है, तो पहला डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब्स क्या होते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब्स के काइंड्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वर्ब्स के डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, यानी व्हाट आर वर्ब्स। तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस डूइंग, हैपनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिनसे हमें तीन चीजों के बारे में पता चलता है। पहला चीज क्या है, पहला चीज है डूइंग। डूइंग का मतलब क्या होता है, डूइंग का मतलब होता है कोई एक्शन यानी कोई काम। अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे हमें करने का सेंस मिल रहा है। सेकंड चीज क्या है, इससे हमें किसी घटना के बारे में पता चलता है, कोई घटना हो रही है बट वो घटना कौन कर रहा है वो हमें पता नहीं, बट कोई घटना हो रही है तो किसी हैपनिंग के बारे में पता चलता है। या फिर स्टेट ऑफ बींग, यानी किसी सब्जेक्ट के दशा या स्थिति के बारे में हमें पता चलता है, इसके स्टेट के बारे में पता चलता है, उसका होने या ना होने के बारे में हमें पता चलता है। तो
तो ये चीज क्या होते हैं, ये चीज वर्ब्स होते हैं। आइए इन सारे चीजों को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो कोई भी बात हमें एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या, श्रेया इज सिंगिंग, श्रेया इज सिंगिंग, तो श्रेया गा रही है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इज सिंग। इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है इज सिंगिंग। तो सिंगिंग देखो क्या कर रहा है, सिंगिंग से कोई एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है, कोई एक्शन के बारे में पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंगिंग क्या शो कर रहा है, यहाँ पर डूइंग शो, या फिर हम कह सकते हैं एक्शन। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है, इट इज रेनिंग। तो देखो रेनिंग से क्या पता चला, इट इज रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है। तो देखो ध्यान देना है कि जब तक उस एक्शन को कोई करने वाला नहीं होगा, कोई डूअर नहीं होगा, तब तक हम उसको एक्शन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है गाने का, इसको कौन कर रही है, इसको श्रेया कर रही है। तो क्या है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंगिंग यहाँ पर डूइंग है, मतलब एक एक्शन है, क्योंकि उसका करने वाला, उस काम को करने वाला का व्यक्ति का नाम हमें पता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो वर्षा भाई कौन करवा रहा है, क्या यहाँ पर डूअर का नाम पता है हमें, जो इस काम को कर रहा है क्या उसका नाम पता है, पता नहीं है। तो ये केवल एक घटना है, ये क्या है, एक हैपनिंग है। ये क्या है, ये एक हैपनिंग है, ये कोई एक्शन। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, द बॉय इज हैप्पी, द बॉय इज हैप्पी, तो यहाँ पर वर्ब हमारा इज, इसके साथ देखो इसके साथ क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव हैप्पी लगा हुआ। तो लड़का जो है वो खुश है, तो खुश होना क्या है, खुश होना कोई घटना है, खुश होना कोई एक्शन है, कोई काम है, या खुश होना किसी का स्टेट ऑफ बींग है, किसी का स्टेट है, उसकी दशा है, उसकी अवस्था है। तो हम कहेंगे क्या, ये स्टेट ऑफ बींग है। तो हम कह सकते हैं क्या, स्टेट ऑफ बींग है, स्टेट ऑफ बींग। तो वर्ब से हमें तीन चीजों के बारे में पता चलती है, डूइंग, हैपनिंग और स्टेट ऑफ बींग। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स पे, वर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स में जो भी चीजें होंगी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, कितने इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या काइंड्स होते हैं, इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो ध्यान देना, अगर हम ब्रॉडली बात करें, अगर ब्रॉड सेंस में बात करें, तो वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, पहला फाइनाइट वर्ब होता है, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले आइए मैं आपको समझाता हूँ कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर होता है, बाकी की चीजें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बताऊँ कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है। तो आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, और सेंटेंसेस देखो क्या है, जैसे हमने लिखा आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स, शी लव्स, शी लव्स रीडिंग बुक्स, और है शी लव्ड रीडिंग बुक्स, शी लव्ड रीडिंग बुक्स। यहां पर हमने तीन सेंटेंसेस लिखा, और इन तीन सेंटेंसेस में हम क्या ध्यान देंगे, इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि यहां पर वर्ब कौन कौन है। तो यहां पर देखो हमें दो ही तरह का वर्ब मिल रहे हैं, पहला वर्ब तो क्या है, लव है, और दूसरा है रीडिंग। सभी जगह देखो लव और रीडिंग, लव और रीडिंग। तो आप इन सेंटेंसेस में क्या बदलाव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है, और यहां इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है। अगर हम पहले के दो सेंटेंस की बात करें, तो ये दोनों ही सेंटेंस में जो वर्ब हमारा है ये प्रेजेंट टेंस में है, और आखिरी का जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ का जो हमारा वर्ब है, ये पास्ट टेंस में, क्योंकि लव्ड लिखा हुआ, मतलब ये पास्ट टेंस में है। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया कि सब्जेक्ट और टेंस चेंज करने से हमारा एक वर्ब जो है अपना फॉर्म को चेंज कर रहा है, वो कौन सा है, देखो लव। यहाँ पर हमने लव लिखा प्रेजेंट टेंस में, और सब्जेक्ट आई है, जैसे ही हमने सब्जेक्ट को आई से शी में चेंज किया, तो ये जो लव है ये लव्स हो गया, देखो इसमें एस लग गया। और जैसे ही हमने यहाँ पर इसका टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने टेंस को प्रेजेंट से पास्ट में कर दिया, तो लव जो था, जो लव और लव्स था, ये लव्ड हो गया, डी लग गया, ईडी लग गया। लेकिन क्या आपने एक बात पे गौर किया, चाहे तो हम सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर ले, चाहे तो हम उसका टेंस चेंज कर ले, इन सेंटेंसेस में एक ऐसा वर्ब है जो इनके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। मतलब हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो भी उसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, हम टेंस चेंज कर रहे हैं तो भी उसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस में दो ही वर्ब, एक है लव और एक है रीडिंग। लव अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, लव अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, लेकिन क्या रीडिंग अपने फॉर्म को चेंज किया, रीडिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी सेंटेंसेस में वैसे वर्ब्स जो
जो सब्जेक्ट के बदलने पे बदल जाते हैं, वैसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने से, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लुरल नंबर होने से वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाते हैं, या फिर टेंस बदलने से भी वैसे वर्ब्स अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, वैसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। और किसी भी सेंटेंस में वैसे वर्ब्स जिन पर टेंस का या सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, वो सब्जेक्ट या टेंस से लिमिटेड नहीं होता है, भले ही सब्जेक्ट चेंज हो जाए वैसे वर्ब्स अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, भले ही टेंस चेंज हो जाए वैसे वर्ब्स अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते। तो जो वर्ब्स टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं वैसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, और जो वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर पाते हैं वैसे वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर लव कैसा वर्ब है, लव यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और रीडिंग कैसा वर्ब है, रीडिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होते हैं, आइए वापस से हम अपने ग्राफ पे आते हैं, वर्ब्स के काइंड्स पे आते हैं। तो ध्यान देना वर्ब का दो ब्रॉड कैटेगरी होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब्स और एक होता है नॉन फाइनाइट। अब आइए सबसे पहले फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या क्या आते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फाइनाइट वर्ब के अंदर होता है, एक होता है मेन वर्ब होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है। एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मेन वर्ब को हम और क्या क्या कहते हैं, मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं, मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम दूसरे शब्द में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम दूसरे सेंस में क्या कहते हैं, दूसरे शब्द में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हम मेन वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब का क्या रोल होता है और हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं। तो ध्यान देना किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। तो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, शी राइट्स, एक और एग्जांपल हमने लिखा, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग। तो ध्यान देना किसी भी सेंटेंस में कोई तो काम हो रहा होगा, तो जिस वर्ड से किसी काम के बारे में पता चले, जो वर्ड अपना फुल मीनिंग दे, उसी को हम कहते हैं मेन वर्ब, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो ध्यान देना यहाँ पर एक काम हो रहा है लिखने का, तो लिखने का जो एक्टिविटी हो रहा है ये किससे पता चल रहा है, ये राइट से पता चल रहा है, हमारा वर्ब है। और कैसा वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और अगला जो सेंटेंस हमारा है, शी इज राइटिंग, यहाँ पर भी कौन सा काम हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो ये लिखने का जो मीनिंग हमें पता चला ये किससे, ये राइटिंग से पता चला, तो ये हमारा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहिए या फिर लेक्सिकल। लेकिन इस सेंटेंस में राइटिंग के अलावे एक और वर्ब है जो कि यहाँ पर क्या इज है, ये भी वर्ब है। क्या इस वर्ब से हमें कोई मीनिंग पता चल रहा है, इस वर्ब से हमें किसी के मीनिंग के बारे में पता नहीं चल रहा है। अगर हम राइटिंग को हाइड कर देते हैं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, लेकिन अगर हम इज को हाइड कर देते हैं तो भी हमें पता चल जाता है, हालांकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है। तो जिससे हमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। लेकिन सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब भी हो सकता है, जो एक से अधिक वर्ब होगा तो वो क्या होगा, वो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो यहाँ पर इसका क्या रोल है, यहाँ पर देखो इज भी हमारा वर्ब है लेकिन इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। यानी वर्ब्स के कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब के सपोर्ट के यूज नहीं हो पाते हैं, तो कुछ कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब का केवल इतना ही रोल होता है कि वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, यहाँ पर जो है इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, और जो राइटिंग है ये हमारा मेन वर्ब है। आई होप कि ये बात आपको समझ आई। चलिए वापस से हम देखते हैं। तो ध्यान देना है एक मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेन वर्ब के अंदर क्या क्या आता है। तो मेन वर्ब के अंदर होता है, एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। एक मेन वर्ब से हमें एक्शन के बारे में पता चलता है और एक मेन वर्ब से हमें नॉन एक्शन के बारे में पता चलता है, मतलब वो एक्शन शो नहीं करते, वो कोई स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान देना एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, सबसे पहले हम एक्शन वर्ब की अगर बात करें तो एक्शन वर्ब में क्या क्या चीजें आती है। यहां पर अगर हम लिखते हैं ही प्लेज ही रन्स
जंप। तो ध्यान देना है कि इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है, इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है क्या है, इसमें प्ले है, प्लेज है, इसमें रन्स और इसमें जंप, ये सारे वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है, ये सारे क्या वर्ब है, मेन वर्ब है। और इन वर्ब से क्या पता चल रहा है, इन वर्ब से एक्शन पता चल रहा है कि नॉन एक्शन पता चल रहा है। तो देखो एक्शन का मतलब क्या, जहां पर कुछ करने का सेंस आ जाए, जहां पर एक सब्जेक्ट हो, एक डूअर जो उस काम को कर रहा हो, तो उसी को हम एक्शन कहते हैं। तो खेलना क्या एक एक्शन है, दौड़ना क्या एक एक्शन है, कूदना क्या एक एक्शन है। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं ये एक्शन वर्ब्स हैं, ये एक्शंस हो गए, ये एक्शन सारे एक्शन। ये बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले जिसमें नॉन एक्शन होगा, जैसे हमने यहां पर लिखा, सुगर टेस्ट स्वीट, सुगर टेस्ट स्वीट। तो यहां पर इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है ये क्या है, टेस्ट है। तो सुगर का जो स्वभाव होता है ना वो कैसा होता है, उसका टेस्ट मीठा होता है। तो एक बात आप मुझे यहाँ बताइएगा कि टेस्ट कैसा वर्ब है, टेस्ट एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पर चीनी का स्वभाव अगर मीठा है तो इससे कोई एक्शन के बारे में पता तो नहीं चल रहा है, ये कोई स्थिति के बारे में बता रही है, कोई स्टेट के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं नॉन एक्शन वाले का। तो यहां पर अगर हमने लिखा, जैसे हमने लिखा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। तो यहां ध्यान देना इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है, ये वर्ब क्या है, वर्ब है नो। तो मैं तुम्हें जानता हूं, जानना कोई काम है क्या, जानना कोई एक्शन है क्या, जानना हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड है, तो जानना एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये भी कैसा वर्ब हो गया, नो, एक हो गया नो एक्शन, तो नॉन एक्शन वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। और यहां पर मैं आपको बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, नॉन एक्शन वर्ब्स जनरली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ये बात मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया हूं। हम कंटिन्यूअस टेंस में केवल उन्हीं वर्ब्स को यूज कर सकते हैं जिनसे हमें एक्शन के बारे में पता चलता है, जो एक्शन नहीं बताते हैं वैसे वर्ब्स का हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे नॉन एक्शन या स्टेटिव वर्ब्स का कंटिन्यूअस नहीं करना है। ये बात आपको अभी तक समझ में आई? चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि मेन वर्ब के अंदर दो चीजें होती है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो अगर एक्शन वर्ब के बारे में बात करें तो एक्शन वर्ब के अंदर भी दो चीजें होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ध्यान देना। ट्रांजिटिव वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। हालांकि ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप बिल्कुल उस वीडियो को देख लेना अगर आपको डिटेल में इन वर्ब्स के बारे में जानना हो, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ध्यान देना वैसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं वैसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, और जो वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। आइए चेक करते हैं, ध्यान देना यहां पर, जैसे हमने लिखा ही प्लेज, आई हेल्प। तो ध्यान देना यहां पर हमने दो सेंटेंस लिखा, ही प्लेज जिसमें ही सब्जेक्ट है और प्ले क्या है वर्ब है, यहां पर आई सब्जेक्ट और हेल्प क्या है, हेल्प यहां पर वर्ब। यहां पर आपको बताना है क्या ये वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर ये वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो इसका मतलब है कि ये वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ध्यान देना हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। अगर ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको केवल दो क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है।
देखो ये दो क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है, पहला तो है व्हाट और दूसरा है होम। पहला है व्हाट और दूसरा है होम। व्हाट का मतलब होता है क्या और होम का मतलब होता है किसको। व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब किसको। तो ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी वर्ड जो कि वर्ब के बाद आता हो वो वर्ड ऑब्जेक्ट ही होता हो, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी वर्ड जो कि वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के ठीक बाद आ रहा है, वो वर्ड ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस वर्ड का रिप्लाई इन दोनों क्वेश्चन वर्ड में से किसी का होगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे, अगर इन दोनों क्वेश्चन वर्ड में से कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर फिट बैठ जाता है, किसी का भी रिप्लाई मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट ले पाएंगे। जैसे ध्यान देना, ही प्लेज, हम बोलते हैं कि वह खेलता है, ही प्लेज, भाई क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, तो क्या का रिप्लाई बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सेंस कर रहा है, तो हमने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। तो देखो ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं, ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल लिया। तो अगर ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ब देख रहे हो आप, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हम कह सकते हैं टीवी का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पर मैं मदद करता हूँ, मैं किसको मदद करता हूँ, मैं किसकी मदद करता हूँ, मैं किसको हेल्प करता हूँ, तो किसको से भी रिप्लाई आ जाएगा। जैसे आई हेल्प मोहन, मैं मोहन की मदद करता हूँ। देखो यहाँ पर हेल्प भी क्या किया, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो अगर ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कोई भी ध्यान देना कि सब्जेक्ट कोई काम को करता है, सब्जेक्ट कोई काम को करता है, और जो भी काम होता है, देखो सब्जेक्ट कोई काम को किया, सब्जेक्ट खेलने का काम किया, और जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया उसका इम्पैक्ट अगर सामने वाले वर्ड पे पड़ता है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने एक्शन को आगे तक पास कर पा रहा है। जो वर्ब अपने एक्शन को आगे तक पास कर पाता है वैसे ही वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और वेरीफाई करने के लिए इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है, आपने क्या करना कि इन दो क्वेश्चन वर्ड का यूज करना, अगर दोनों में से किसी का भी रिप्लाई आ जाएगा तो इसका मतलब है कि पक्का उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है और ये वर्ब्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। बात समझ आ रही है? चलिए मैं आपको इन ट्रांजिटिव के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि इन ट्रांजिटिव भी आपको समझ। जैसे हमने लिखा शी डाइड, और मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा दे गो, तो ध्यान देना यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिखा। अब इन दो सेंटेंस में आपको चेक करना, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और डाइड क्या है, वर्ब है। दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, और गो क्या है, गो वर्ब है। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आपको ये पता करना है, क्या अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, क्या डाई अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है, क्या गो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है, ये बात हम कैसे पता करेंगे। पता करने के लिए आपको केवल क्वेश्चन करना है कि आपको क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट या होम, अगर ये दोनों में से किसी का भी रिप्लाई आ जाए तो इसका मतलब है कि वो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है और इसलिए वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि शी डाइड, वह मर गई, अब क्वेश्चन करो वह क्या मर गई, भाई क्या का तो रिप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर यह बात बिल्कुल इलॉजिकल है, इलॉजिकल सवाल है कि क्या मर गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर व्हाट अप्लाई नहीं हो रहा है, वह किसको मर गई ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ने जो भी काम किया वो आगे तक पास ओवर नहीं हो पा रहा है, वो आगे तक पास ओवर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आता है वैसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, वैसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। आई वी का मतलब इंट। उसके बाद देखो दे गो, वे लोग जाते हैं, भाई क्या जाते हैं, ये तो कोई सेंस नहीं कर रहा है, किसको जाते हैं ये भी तो कोई सेंस नहीं कर रहा, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं तो कहाँ से एक प्लेस के बारे में पता चलेगा, और जो भी कहाँ का कब का और कैसे का रिप्लाई होना वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू ऑफिस, अगर हम लिखेंगे तो स्कूल या ऑफिस ऑब्जेक्ट नहीं है, एक प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऑब्जेक्ट केवल इन्हीं दो क्वेश्चन वर्ड से पता चल सकता है, इन्हीं दो क्वेश्चन वर्ड अगर अप्लाई होता है तभी ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि गो भी अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, तो इसलिए गो क्या है, गो यहाँ पर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये बात आपको समझ आ गई? तो सिंपल सा वर्ड्स में अगर समझे तो जो वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है वो ट्रांजिटिव, जो वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता वैसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव। आइए बात वापस हम लोग आते हैं, बात करते हैं, अभी ध्यान देना है। तो एक्शन में हमने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में बताया, नॉन एक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना, नॉन एक्शन वर्ब कौन कौन से नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, तो यहां पर ध्यान देना है नॉन एक्शन वर्ब्स को हम क्या क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन
नॉन एक्शन वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स को हम लोग थिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, थिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स को हम लोग कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। देखो कितना नाम है इसका, कॉपुलर के सारे नाम से है। तो नॉन एक्शन वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो देखो इसका नाम नॉन एक्शन क्यों पड़ा, इसका नाम नॉन एक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इससे कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई काम के बारे में पता नहीं चलता है। इसका नाम स्टेटिव क्यों पड़ा, इसका नाम स्टेटिव इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोई स्टेट बताता है, कोई दशा स्थिति के बारे में बात करता है। इसका नाम लिंकिंग क्यों पड़ा, लिंकिंग इसलिए पड़ा इसका नाम, लिंकिंग या कॉपुलर, कॉपुलर का भी मतलब होता है जोड़ने का काम करना या लिंक करने का काम। तो लिंकिंग या कॉपुलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ये जो लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स जो होते हैं, ये सब्जेक्ट को इसके कंप्लीमेंट से इसको लिंक करने का काम करते हैं, इसको जोड़ने का काम करते हैं, इसको कनेक्ट करने का काम। तो आइए पहले, सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि नॉन एक्शन वर्ब्स में क्या क्या आते हैं। तो नॉन एक्शन वर्ब्स में जो आते हैं, ध्यान देना है आप लोगों को, नॉन एक्शन या स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे कि सी, फेल, फील, टेस्ट, फेल, फेल, अच्छा इसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं, एक तो बी का फॉर्म हो गया, बी का कोई भी फॉर्म मतलब इज एम आर हो सकता है, बी का कोई फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ई, बी का कोई फॉर्म का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वाज वर, और बी का क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, बीन, और क्या हो सकता है, बींग। ठीक है, और भी इसमें, इस लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं, जैसे बिकम, बिकम, टर्न, ग्रो, स्टे, ETC। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं, ये सारे वर्ब्स क्या है, ये सारे वर्ब्स नॉन एक्शन वर्ब्स है, स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स आप कहो या कॉपुलर वर्ब्स कहो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये जो वर्ब्स होते हैं, ये सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम। आइए मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या होता है, कैसे लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे ध्यान देना, यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिखा, हमने एग्जाम्पल लिखा रोहित, रोहित इज अ स्टूडेंट, रोहित इज अ स्टूडेंट। अब ध्यान देना, रोहित इज अ स्टूडेंट जब यहां पर हम बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारा सेंटेंस का मेन वर्ब क्या, सेंटेंस का मेन वर्ब है इज, ये हमारा मेन वर्ब है। और ये जो वर्ब हमारा है, ये कैसा वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि रोहित हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर जो ये जो वर्ब आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये रोहित को स्टूडेंट से जोड़ रहा है, रोहित को स्टूडेंट से जोड़ रहा है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो किसी के मीनिंग को पूरा कर दे। तो अगर हम सेंटेंस को केवल ऐसे लिख दें, सेंटेंस को हम केवल ऐसे लिखे, रोहित, रोहित इज, और इसके बाद हम कुछ लिखे ही ना, तो इस सेंटेंस का मीनिंग जो होगा, ये इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। हम बोल रहे हैं कि रोहित है, भाई रोहित क्या है ये तो बता दो, तो हमने यहां पर लिखा ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने ए स्टूडेंट लिखा, ये जो ए स्टूडेंट है ना, ये किसी के मीनिंग को पूरा कर दिया, ये किसके मीनिंग को पूरा किया, ये रोहित के मीनिंग को पूरा किया, यानी कि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा किया, और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर अगर इज कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम है सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, फिर इसका नाम पड़ा कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब पड़ा। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, कुछ और एग्जांपल में जैसे हमने लिखा शुगर टेस्ट। अब ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं शुगर टेस्ट, केवल इतना लिख करके हम छोड़ देते हैं शुगर टेस्ट, तो यहां पर ध्यान देना कि क्या सेंटेंस का पूरा मीनिंग हो पाएगा, क्या ये टेस्ट अपना पूरा मीनिंग दे,
क्या इसकी विशेषता हम जान पाएंगे कि शुगर की क्या खासियत है? यहाँ पर हमने ये वर्ब तो लिख दिया, बट ऐसा लग रहा है कि इसका मीनिंग अधूरा है। जब तक यहाँ पर हम टेस्ट के बाद कुछ नहीं देंगे, तब तक ये शुगर का यानी कि सब्जेक्ट का मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो जो भी देखो, कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेजेस जो कि वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद आकर के वो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे अभी यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा स्वीट। जैसे ही हमने स्वीट लिखा तो मुझे आप ये बताओ कि स्वीट किसके मीनिंग को पूरा किया? ये जो स्वीट है ये टेस्ट के मीनिंग को पूरा किया या फिर इसके मीनिंग को पूरा किया, शुगर के मीनिंग को पूरा किया? हम स्वीट किसको बोल रहे हैं? हम शुगर को बोल रहे हैं यानी सब्जेक्ट को बोल रहे हैं। तो ये जो स्वीट है ना, इसको ऑब्जेक्ट मत मान लेना, इसको ऑब्जेक्ट मत मानना, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं, बल्कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्वीट है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एस सी का मतलब हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात आपको, आई होप कि अब आपको लिंकिंग वर्ब्स के बारे में या स्टेटिव वर्ब्स के बारे में पता चल गया। लिंकिंग वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स कभी भी एक्शन नहीं बताता है, और लिंकिंग वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स के ठीक बाद जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस आते हैं वे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं। यही लिंकिंग वर्ब्स का काम होता है। लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या होता है कि ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। ये बात क्लियर आप सभी को? चलिए आइए वापस से आते हैं हम अपने स्टार्ट पे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि फाइनाइट वर्ब के अंदर मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब के अंदर एक्शन वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन के अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। नॉन एक्शन वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर बेसिकली दो चीजें आती है, दो टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहिए आप, और दूसरा होता है मोडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आप कहिए। तो ध्यान देना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में तीन चीजें होती है, एक तो होता है बी का फॉर्म, एक होता है डू का फॉर्म, और एक होता है हैव का फॉर्म। तो बी के फॉर्म की बात करें तो बी के फॉर्म के अंदर आता है इज, एम, आर, वॉज और वर। तो बी से बनने वाले हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी के जो अदर फॉर्म्स है इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर हम डू की बात करें तो डू का अदर फॉर्म क्या हो गया, डू, डज, डिड। और हैव की बात करें तो हैव का हैव, हैज, हैड। तो ये सारे प्राइमरी, ये सारे क्या, सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इनका नाम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों पड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ, सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो इसका नाम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों पड़ा, तो एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हम वैसे हेल्पिंग वर्ब्स को कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब्स का भी काम कर सकते हैं। आइए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा, हमने एग्जाम्पल लिखा दे आर गेटिंग रेडी, दे आर गेटिंग रेडी। अब दे आर गेटिंग रेडी जो हमने लिखा, दे आर गेटिंग रेडी, तो यहां पर ध्यान देना, यहां इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है, एक तो यहां पर क्या है गेटिंग है, और गेटिंग क्या मेन वर्ब है, गेटिंग क्या मेन, क्योंकि इसी से हमें होना, तैयार होना का सेंस पता चल रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, ये क्या है, ये मेन। और यहां पर आर क्या है, आर यहां पर आर का कोई रोल है क्या, आर का रोल है कि ये गेटिंग को यानी आईएनजी वाले वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। यहां पर आर क्या हेल्पिंग वर्ब, यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, अगर हमने लिखा दे आर रेडी, तो दे आर रेडी में आप मुझे ये बताना कि यहां पर आर क्या है, या आर यहां पर मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। देखो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मान के चल रहे हो, तो इसके बाद एक मेन वर्ब भी होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में तभी हो सकता है जब इसके साथ कोई मेन वर्ब हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना। और अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा ही नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर अगर आप आर को हेल्पिंग वर्ब मान के चल रहे हो तो इसका मेन वर्ब कहाँ है, क्या आप मान रहे हो कि रेडी यहाँ पर वर्ब है, रेडी यहाँ पर मेन वर्ब है? बिल्कुल गलत आप समझ रहे हैं, रेडी यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। तो फिर वर्ब कौन है, ये यहां पर सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब कौन है भाई, वर्ब यही है, तो ये अकेले आया है। अगर इज, एम, आर, वाज, वेर यानी कि प्राइमरी वर्ब्स अगर अकेले आता है विदाउट एनी मेन वर्ब,
वही प्राइमरी वर्ब सेंटेंस में क्या करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो यहां पर आर क्या है, यहां पर आर जो है, यहां पर आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर आर जो है ये मेन वर्ब है। ये क्या है, ये मेन। चलिए और एग्जांपल लेता हूं, और तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने लिखा दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क, वे लोग काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क। तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर इस सेंटेंस में डू क्या है, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्क हमारा क्या, मेन वर्ब। ये हमारा मेन वर्ब है, क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस में हमें किसी काम का पता किससे चल रहा है, वर्क से पता चल रहा है। वर्क हमारा मेन मीनिंग दे रहा है, मेन मीनिंग देने का काम कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो डू क्या कर रहा है, डू इस वर्क को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा तो चलिए अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। जैसे अगला एग्जाम्पल हमने लिखा दे डू द वर्क, दे डू द वर्क। अब जब हमने लिखा दे डू द वर्क तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो वर्क हमारा है ये वर्ब नहीं है। अब यहां पर वर्क हमारा वर्ब नहीं है, ये नाउन है। ये क्यों नाउन है, ये इसलिए नाउन है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द आ गया। तो इतना तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो वर्क नहीं है, ये दे सब्जेक्ट है और ये द क्या है, आर्टिकल है, और वर्क क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आया, आर्टिकल किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। तो फिर इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, डू है, इस सेंटेंस में वर्ब डू है। तो एक बात मुझे बताना, क्या इस डू के अलावे भी कोई दूसरा वर्ब है, इस डू के अलावे दूसरा कोई वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही डू यहां पर क्या काम कर रहा है, यही डू यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यही डू यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए बात आपको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा यू हैव Eaten. You have eaten. तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या क्या है, इस सेंटेंस में ध्यान देना, इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है, जिससे हमें मीनिंग का पता चलेगा वही हमारा मेन वर्ब होगा। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है खाने का, और खाने का मीनिंग किससे पता चला, ईटन से। तो ईटन हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। तो फिर हैव क्या कर रहा है भाई, हैव इसको हेल्प कर रहा है, इसको हेल्पिंग, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, सारा चीज बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हमने यहां लिखा यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। तो एक बात ध्यान देना, यू हैव अ कार, इस सेंटेंस में ध्यान देना सब्जेक्ट क्या था, यू था, हैव हेल्पिंग वर्ब और एटेन मेन वर्ब। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पर यू है। अब मुझे ये बताना पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन है, क्या कार वर्ब है, कार भाई, कार यहां पर वर्ब नहीं है, एक नाउन है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह। तो फिर एक बात मुझे बताना, बिना वर्ब का तो कोई सेंटेंस होता नहीं, कोई तो एक वर्ब चाहिए। तो यहां पर हमारा कुल मिलाकर के ये सेंटेंस में जो वर्ब है ये क्या है, हैव है, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है। तो कभी भी प्राइमरी वर्ब किसी अकेले आए, यानी इसके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं आए, तो वही प्राइमरी वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। यहां पर हैव क्या, यहां पर हैव ही हमारा क्या, तो यहां पर जो हैव है, यहां जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां जो हैव है ये हमारा मेन वर्ब है। ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी मुझे पता है। तो ध्यान देना प्राइमरी वर्ब्स वैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो दोनों तरीके से यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यू भी यूज होते हैं और वहां पर वो मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। तो यहां से आई होप कि आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आ गया। एक बात और ध्यान देना, बी का स्पेशल क्या क्या यूज हो सकता है मेन वर्ब के रूप में, टू का स्पेशल क्या क्या यूज हो सकता है मेन वर्ब के रूप में, और हैव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हैव का क्या क्या यूज हो सकता है मेन वर्ब के रूप में। इस पे मैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि हैव के कितने मीनिंग हो सकते हैं और हैव को किन किन मीनिंग में हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो एक बात ध्यान देना, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो एक बात बिल्कुल ध्यान देना कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं इसका लेना देना किससे होता है, टेंस से, लेना देना किससे होता है, टेंस से होता है। लेकिन उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप का जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसको मॉडल बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स बोलते हैं।
तो मॉडल का काम कभी भी टेंस से लेना देना नहीं होता। मॉडल का काम किससे होता है? मॉडल क्या बताता है? मॉडल मूड्स बताता है। मॉडल से क्या पता चलता है? मूड्स के बारे में पता चलता है, मतलब सब्जेक्ट का मूड क्या है, सब्जेक्ट का इंटेंशन क्या है, यानी कोई काम होने की संभावना है, कोई काम होने का कैपेसिटी है, एबिलिटी है। तो मॉडल्स हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स बताने का काम करते हैं, कभी भी मॉडल का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स में क्या क्या आता है? कैन, कूड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू और ऑट टू, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 13। इनकी संख्या होती है 13। और मॉडल वर्ब्स पे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, मैंने सभी मॉडल वर्ब्स का डिटेल यूज बताया। प्लीज अगर आपको मॉडल वर्ब्स का पूरा स्टडी करना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारे मॉडल वर्ब्स का आप यूजेस जान लेंगे। तो ये भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स भी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, बट इसका नाम है मॉडल, इसलिए मॉडल नाम है क्योंकि ये मूड शो करते हैं। और ये क्या करते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का लेना देना किससे होता है? टेंस से होता है। तो ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया ये फाइनाइट के अंदर बताया, तो फाइनाइट के अंदर ही सारी चीजें हैं। फाइनाइट के अंदर सारी चीजें क्या क्या है? फाइनाइट के अंदर मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब के अंदर एक्शन, नॉन एक्शन, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, और ऑक्सिलरी में आ गया प्राइमरी और मॉडल्स। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें बिल्कुल ही लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लेकिन वर्ब का जो हमारा एडवांस वाला पार्ट होगा वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ही कवर होगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो बिल्कुल फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रहे कि अगर आपने टेंस पढ़ लिया है, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका फाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि फाइनाइट वर्ब के अंदर दो ही चीज आता है, एक तो टेंस आता है और दूसरा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मुख्य रूप से जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है आने वाला वीडियोस में, वो हमारा रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे, यानी इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल पे रहने वाला है। तो ये रहा वर्ब का डेफिनेशन और इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन, यानी मैंने आपको बताया कि वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब्स के काइंड्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं। तो वर्ब्स में जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल करके, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। आई होप कि इस वीडियो से आपका वर्ब्स के डेफिनेशन और जितने भी इनके काइंड्स है सबके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैव के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।